कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत। ये एक हेल्प डेस्क स्टार्ट किया गया है मेरे दफ्तर के अंदर। इसका मकसद यही है कि जो लोग अलग अलग राज्यों से या अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, उन्हें यहाँ पर पुलिस की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है अगर वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे इसमें कुछ लोग हैं जिन्हें ना तो सोशल मीडिया पता है, ना वो अपने पास उनके पास ऐसा मोबाइल है जिसके ऊपर वो फॉर्म अपलोड करे। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लेना जो कंपलसरी है वो लेने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे हालात के अंदर हमने यहाँ पर हेल्प डेस्क करके डॉक्टर्स की एक पूरी टीम यहाँ पर रखी है। यहीं का यहीं इन लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट इनका चेकअप करके दिया जा रहा है। साथ ही साथ इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके हम यहीं पर अपलोड कर रहे हैं और जैसे ही उनकी परमिशन आ रही है उसका प्रिंट आउट निकाल के लोगों को हम हाथ में ही दे रहे हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों की सुविधाएं हुई है। बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग यहाँ पर जमा है, वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं अपने घर जाने के लिए। तो कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हो रहा है करके। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक इस देश के अंदर उस दिन निकल चुका है जिस दिन आपने देश के अंदर शराब बेचने की इजाज़त दी है। तो अब अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात करता है तो पहले जाकर वो नरेंद्र मोदी साहब से पूछे कि आपने जब शराब बेचने की इजाज़त दिए थे तब सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है पूरे देश भर में उसका जवाब दीजिए। ये लोग जितने भी है ये गरीब है, मजबूर है और इन्हें कोई सहारे की ज़रूरत थी। हम इनके लिए सिर्फ एक मदद करने का काम कर रहे हैं। तो यकीनन जो बच्चों की इतने सारी भीड़ है, 10 बजे ऑफिस खुलता है, 6-6 घंटे पहले यहाँ पर लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की यह हालत है कि लोग मजबूरन पैदल निकलने के लिए तैयार है। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आती है अपने राज्य के ही लोगों को वो पैदल और साइकिल के ऊपर चलते हुए देख रहे हैं। हमारा सिर्फ यही है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये काम मेरा नहीं है, ये सरकार के किसी डिपार्टमेंट में इसको हैंडल करना चाहिए था लेकिन ये किसी ने नहीं किया, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है और ये हम करेंगे। मेरे हिसाब से कहीं आप देख सकते होंगे ये आज का तीसरा या चौथा दिन है, हजारों के अंदर से फॉर्म्स आए हैं, हजारों में। और ये फॉर्म ऐसा है जो फिजिकली यहाँ तक आ सकते हैं वो आए हैं, बाकी को हमने ये कहा था कि ऑनलाइन इसके ऊपर आप अप्लाई करिएगा। तो कई लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किए हैं। हमने 6 नंबर्स दिए थे, हमारे मोबाइल नंबर्स जो हमारे वॉलंटियर्स रहे वो उनके नंबर के ऊपर एक एक के पास कम से कम 300-400 इस तरह के फॉर्म्स आए हुए हैं। तो अभी आंकड़ा हमारे पास भी नहीं है लेकिन इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि हज़ारों से लोग हैं तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने यहाँ तक किया है कि हमको ये मालूम है कि सरकार इनके हाथ में कागज़ का टुकड़ा समाने वाली है और ये कहेंगी कि ये तुम्हारा पास है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि अगर इन्हें दूर जाना है तो कैसे जाना है। अब इसमें से कुछ इतने गरीब लोग हैं कि इनके पास खाने के लिए, अनाज के लिए पैसे नहीं है। तो हमने लोगों से ये अपील की थी कि जो करीब जाने वाले लोग हैं कम से कम उनके लिए आपके पास जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां वैसे भी आप लॉकडाउन की वजह से चला नहीं रहे, हमने हमारी भी गाड़ियां लगाई है, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनकी गाड़ियां लगाई है और हमने लोगों से भी अपील किया था कि आपकी गाड़ियां दे, उसमें लगा तो हम डीजल डालेंगे लेकिन ये लोगों को हम घर तक पहुंचाने का काम। और पिछले 2-3 दिन से लगातार हमारे वॉलंटियर्स आज ये काम करके रात में घर के ऊपर भी लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी लोगों की मदद मिलेंगी, हम सरकार की खैरातों के ऊपर जिंदा नहीं रहते हैं। इंशाल्लाह हमें मदद अल्लाह की तरफ से आती है।